पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है, उसी के साथ इंदौर में भी तकरीबन 28,000 के करीब अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंचने वाली है। संक्रमण से मरने वालों की बात करें तो तकरीबन 615 मौतें इंदौर में अभी तक हो चुकी है। उसी के साथ अब केंद्र सरकार की जो पहले की गाइडलाइन थी, जिसमें जो राजनीतिक सभाएं होनी थी उसके अंदर 100 से अधिक लोगों की मनाही की गई थी कि 100 से अधिक लोग उसमें इकट्ठा नहीं होंगे। नई गाइडलाइन की बात करें तो आज जो है मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइन आई है, उसी के प्रारूप के हिसाब से जो इंदौर में अब या इंदौर के आसपास जो भी राजनीतिक सभाएं होंगी उनमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। पहले 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, अब 100 से वो जो 100 का प्रतिबंध वो हटा दिया गया है और जितने लोग वहाँ पर इकट्ठा करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। एक बात और है उस गाइडलाइन में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह यह है कि उस सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, मास्क लगाना जरूरी होगा, उसको हर जगह को सैनिटाइज़ करना जरूरी होगा और लोगों को भी सैनिटाइज़ करना जरूरी होगा वो सभा के अंदर। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने तो इंदौर में जो संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, 400 450 450 मरीज़ लगातार जिस प्रकार से मिल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का साफ कहना है कि इससे यह हमें मालूम पड़ता है कि इंदौर में किसी भी प्रकार की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने प्रति जो परिवार है उनके प्रति लापरवाह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हर मार्केट पूरी तरीके से खुल चुका है, पहले की बात करें तो अभी कुछ समय पहले मार्केट शाम को 6 बजे बंद करने की एक नई पहल व्यापारियों ने शुरू की थी, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया है। शनिवार और रविवार को व्यापारियों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन का भी जो है यहाँ पर एक नई पहल की थी और उसको शुरू किया था, लेकिन बावजूद कुछ व्यापारियों के चलते इसको भी समाप्त करना पड़ा। अब जो पूरा दारोमदार इंदौर के ऐसे लोगों पर है जिन्होंने इंदौर को हर आयाम पे नंबर 1 बनाया है, लेकिन अब स्वास्थ्य के प्रति हमें इंदौर को नंबर 1 बनाना है। हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सैनिटाइज भी करना है, लेकिन यह जो चूक है ये काफ़ी भारी पड़ेगी अगर इंदौर के लोग अब लापरवाह हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने परिवार के प्रति। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।